नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग में और मैं हूं आपके साथ काजल शर्मा। दोस्तों, फूलों का इस्तेमाल कई तरह की स्किन केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आप फूलों का प्रयोग घरों को सजाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फूलों के प्रयोग से स्वास्थ्य संबंधी विकार को दूर किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ये मुख्य रूप से पुरुषों को होने वाली सेक्सुअल डिजीज को दूर कर सकता है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे फूलों के बारे में बताएंगे जो स्वास्थ्य संबंधी विकार को दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं किन फूलों के प्रयोग से पुरुषों की परेशानी को दूर किया जा सकता है। दोस्तों, इनमें पहला है गेंदे के फूल। गेंदे के फूल की खुशबू काफी ज्यादा मनमोहक होती है। ये शरीर के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। इसके फूलों की पंखुड़ियों के इस्तेमाल से सूजन की परेशानी को कम किया जा सकता है। इसका प्रयोग करने के लिए इसके फूलों की पंखुड़ियों को अच्छे से पीस लें। इसके बाद इस पेस्ट को सूजन पर लगाएं और पट्टी बांध लें। इससे सूजन की परेशानी कम हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, केले के फूल भी काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं। केले के फूलों का प्रयोग करने से मुंह के छालों की परेशानी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। इसके लिए कच्चे केले के फूलों को अच्छी तरह से सुखा लें। इसके बाद इसका चूर्ण बनाकर इसे छालों पर लगाएं। इससे कुछ ही दिनों में मुंह के छालों की परेशानी को दूर करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, आप अनार के फूलों का भी प्रयोग कर सकते हैं। दांतों को साफ करने के लिए अनार के फूलों का प्रयोग किया जा सकता है। ये दांतों के मसूड़ों को मजबूत करने में प्रभावी होता है। इसके लिए अनार के फूलों को तोड़कर इसे अच्छे से सुखा लें। इसके बाद इसे अच्छी तरह से पीसकर इससे दांतों को अच्छी तरह से साफ कर लें। इससे दांत काफी ज्यादा चमकदार होंगे, साथ ही मसूड़ों को भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, गुड़हल के फूल भी काफी ज्यादा हेल्दी होते हैं। गंजेपन का शिकार पुरुषों के लिए गुड़हल का फूल काफी ज्यादा प्रभावी होता है। इसका प्रयोग करने के लिए गुड़हल के फूलों को अच्छी तरह से मसल लें। अब इस पेस्ट को अपने बालों पर लगाएं और फिर मसाज करें। कुछ देर बाद नॉर्मल पानी से इसे साफ कर लें। कुछ दिनों तक इसका प्रयोग करने से बालों का गंजापन दूर होगा, साथ ही ये डैंड्रफ की समस्या को भी काफी हद तक दूर कर देगा। तो दोस्तों, लास्ट जो है वो है सदाबहार के फूल। सदाबहार के फूलों का प्रयोग करने से आपकी कमजोर इम्यूनिटी को दूर कर सकता है, साथ ही ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मददगार हो सकता है। यह हार्ट संबंधी बीमारियों को दूर करने में काफी असरदार हो सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और हेल्दी टिप्स के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल मेडिकली स्पीकिंग के साथ। धन्यवाद।